हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपके सामने है सैंसुई का सीआरटी टीवी। ये 21 का सीआरटी टीवी है। तो इसमें फॉल्ट यह है कि जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं तो इसमें ये साउंड तो आती है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रही है, यानी कि पिक्चर हमारी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम टीवी को ऑन करेंगे। ये कर दी हमने टीवी की पावर ऑन। हम टीवी की पावर ऑन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी ऑन हो चुका है। तो उसे किस तरह से ठीक करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसमें साउंड तो आ रही है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो हम टीवी को रिपेयर करेंगे। तो देखते रहिए किस तरह से हम टीवी को रिपेयर करते हैं। हमने टीवी का बैक कवर ओपन कर लिया है। ये जो फॉल्ट है, ये टीवी की जो ESD होती है, अगर वो ख़राब हो तो भी ये फॉल्ट आता है। लेकिन इसकी जो ESD है वो बिल्कुल वर्क कर रही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ESD जो है अपना काम कर रही है। 110 की सप्लाई ओके है तो ही हमारी ESD बन रही है। किसी किसी टीवी में यानी कि आधा सर्किट जो है वर्क करता है, आधा सर्किट वर्क नहीं करता है, तो अभी ये फॉल्ट आता है। लेकिन ये जो हमारा सैमसंग CRT TV है, इसका जो ESD वाला सेक्शन है, ओरिजिनल सेक्शन, ये वर्क कर रहा है। तो ये जो फॉल्ट है ये इस CRT बेस का हो सकता है। तो हम ये जो बेस है, ये देखिए, ये इसका बेस है। तो इसको हम चेंज करने से पहले हीटर के जो वोल्टेज हैं, AC 5 वोल्टेज, वो चेक करेंगे। उसके बाद 180 की सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी सप्लाई मिस हो तो भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए हम मेन जो सप्लाई है CRT बेस की वो चेक करेंगे। हम मीटर को रखेंगे AC के रेंज पे। ये देखिए, हमने मीटर जो है AC के रेंज पे सेट कर लिया है। और ये जो ब्लैक प्रोज है, ये CRT की जो अर्थिंग होती है उसमें लगाएंगे। ये देखिए, आपको बताता हूँ, ये सामने हमने कर दी ग्राउंड जो ब्लैक प्रोज है। अब टीवी को करते हैं हम ऑन। अब हम हीटर के वोल्टेज चेक करेंगे। तो हीटर के मिनिमम वोल्टेज आने चाहिए, AC जो हमारे ESD से आउट होते हैं, AC वोल्टेज वो हमारे जो ये बेस है उसमें आते हैं। तो ये रहे हीटर के वोल्टेज। ये देखिए फ्रेंड्स, हीटर के जो मेन AC सप्लाई है वो आ रहे हैं, 5 वोल्ट AC वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम जो 180 की सप्लाई है वो चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा जो 180 की सप्लाई है वो आ रही है। ये लगाइए हमने पिन। ये देखिए, यहाँ चेक करेंगे हम तो वोल्टेज थोड़े कम आएंगे, क्योंकि
ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम 9 वोल्टेज चेक करेंगे। नाइन वोल्टेज भी बिल्कुल ओके हैं, ये देखिए। ये मीटर थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, मल्टीमीटर हमारा थोड़ा ख़राब है, इसमें प्रॉब्लम है तो ये ब्लिंक कर रही है, इसकी जो सप्लाई है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो CRT बेस को सप्लाई में चाहिए वर्क करने के लिए वो सभी बिल्कुल ओके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाइयाँ ओके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो सकती है ये बेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस हम बेस को बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे नया बेस डालेंगे। तो TV को करते हैं हम ऑफ। बेस को हम स्क्रीन से बाहर निकालेंगे, पिक्चर ट्यूब से धीरे धीरे बाहर निकालें। ये रहा इसका जो बेस है, इस बेस की प्रॉब्लम हो सकती है तो हम इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह पे हम नया बेस डालेंगे। फ्रेंड्स ये रहा इसका बेस जो हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसकी जगह पर हम नया बेस डाल के देखेंगे। मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी साफ नहीं आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हमने ये जो बेस है दूसरी किट से निकाल लिया है, यानी कि हमारे पास जो है इस टाइम यही बेस है, तो इसको यहाँ हम सेट करेंगे बेस में। उसके बाद सोल्डरिंग करेंगे। हमने बेस लगा दिए है, जो आसपास है हम सोल्डरिंग मार लेते हैं। अब हम ये जो
सोल्ड ड्रिंक की है, इसको हम थिनर के साथ साफ़ करेंगे, क्योंकि ये जो सोल्ड ड्रिंक होती है ये साफ़ करना, ये जो लगे हैं इसके जो पेस्ट के होते हैं दाग जो पड़ जाते हैं बेस पे, ये साफ़ करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फिर कभी इसमें मॉइस्चराइजर की वजह से कभी भी फॉल्ट आ सकता है। तो उसको हम थिनर के साथ अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। क्योंकि अगर सफाई हो, जो भी हम काम करते हैं उसमें सफाई हो तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी मज़ा आता है। तो फ्रेंड हमारा जो फाइनल वर्क है वो हो गया है। अब बेस को लगाते हैं पिक्चर ट्यूब में। हमारा जो बेस है बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम फाइनल जो इसका टेस्ट है वो करेंगे। तो टीवी को हम करते हैं ऑन। अब चलते हैं फ्रंट की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो सीआरटी टीवी की पिक्चर है वो आ चुकी है। तो ये जो फॉल्ट है बिल्कुल ओके हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।